हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो रहने वाली है इन एलईडी लाइट्स की इंस्टॉलेशंस के ऊपर। ये वाली हम एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में और आपको इसके कनेक्शन सब दिखाएंगे, और साथ में ये स्टॉक बल्ब हैं इनके, जो है पार्किंग में ये बल्ब लगेंगे दो, ताकि इंस्टॉलेशन करके आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो दिखाते हैं। वेन्यू गाड़ी में हम इंस्टॉल करेंगे एलईडी लाइट्स। सबसे पहले इसकी हम कैप को रिमूव कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके, और उसमें जो स्टॉक बल्ब है उसे हम निकाल लें। ये वेन्यू गाड़ी का टॉप मॉडल नहीं है, ये टॉप से नीचे वाला मॉडल है। इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता, इसमें H4 की एक सिंपल ट्यूब दी गई है और उसमें हम LED इंस्टॉल करेंगे। ये जो LED लाइट्स हैं ये एक जर्मनी प्रोडक्ट है। इसकी पहले हमने अनबॉक्सिंग की भी एक वीडियो बनाई थी, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके इसकी वीडियो चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। ये H4 मॉडल है। इसकी पहले हम सॉकेट को निकाल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत है, हाथ वगैरह आसानी से नहीं डलता क्योंकि बीच में स्पेस बहुत कम है। ये देखिए, हमने LED इंस्टॉल कर दी है और बस इसमें प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, हमने इसे प्लग और प्ले कर दिया, कोई वायर कटिंग नहीं होती इसमें। और इन LED लाइट के साथ किसी भी तरह की कोई रिले या कटआउट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम सीधा घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले हम पार्किंग बल्ब है जो, उन्हें इसके बीच में डाल लेंगे क्योंकि बाद में ट्यूब नहीं डलेगी। ये पार्किंग बल्ब है इसका, और इसे हम इसके होल्डर में निकाल के सीधा लगा देंगे। प्लस माइनस इसका देखना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक जो बल्ब होता है वो तो किसी भी एंगल में लग जाता है, इसे प्लस माइनस देख के ही लगाएं। इसे हम होल्डर में प्लग एंड प्ले कर देंगे, इजी सीधा बीच में प्लग हो जाएगा। इस टाइप से इसके रिफ्लेक्टर में इसे प्लग कर देंगे, और इसके बाद हम LED को इसके बीच में प्लग कर देंगे। इसके कपलर को ऐसे इसके बीच में सीधा बस प्लग कर देना है, और पूरी इसकी जो कैनवास की बॉक्स है इसे पूरा बीच में डाल के, उसके पूरा सिस्टम वायर्स को बीच में डाल के बीच में इसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये हमने वायर वगैरह अंदर कर दी और ये इसकी कैप है। इसे क्लॉकवाइज घुमा के हम बस टाइट कर देंगे, वायर को अच्छी तरह से अंदर कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर इसके ऊपर इसकी कैप दोबारा से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।